ये वाली जो फॉर्म थी अपन किससे रिप्लेस कर दिया था अपन ने, वाई से, या किससे रिप्लेस कर दिया था अपन ने, वाई से रिप्लेस कर दिया था। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, जो आपके पास में एक कोई इक्वेशन दे रखी थी उसको अपन ने किसमें चेंज कर दिया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने चेंज कर दिया था, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास कोई डिफरेंशिएशन दे रखा होगा, वो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है उसको। अब उसमें भी आपके पास में कई तरीके का डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट एक तो क्या होते हैं जिसमें क्या है, वेरिएबल सेपरेट दे रखे होते हैं आपको, जो डिफरेंशियल वेरिएबल को क्या दे रखे होंगे आपको, सेपरेट दे रखे होंगे, और किसी में क्या दे रखे होते हैं, मिक्स दे रखे होते हैं। जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोई तो आपको पास में एक्स और वाई दोनों सेपरेट दे रखे होते थे, और कुछ क्या दे रखे होते थे, मिक्स दे रखे होते थे। तो उनको अपन क्या करते थे, पहले सेपरेट कर देते, फिर सेपरेट करने के बाद फिर अगेन अपन डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी आपके पास में अलग अलग तरीके से अलग अलग आपके पास में क्या दे रखे होंगे, डिफरेंशिएशन दे रखे होंगे। सपोज दैट आपके पास में जैसे मान लो इस तरीके से आपके पास में जैसे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास में दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में डिफरेंशिएशन दे रखा है वो किसका है, एक्स और वाई दोनों का है, मिक्स है। तो इसमें आपके पास में किस तरीके से फॉर्म दे रखी होगी, एम एक्स अपॉन एन वाई, इस तरीके से दे रखा होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से अपन ने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद में ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कर सकता हूँ तो ये कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से आपके पास में पहले तो क्या दे रखा होगा, ये वाली फॉर्म दे रखी होगी। अब इस वाली फॉर्म को मैंने इस तरीके से सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कि एन वाई और ये क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू एम एक्स डी एक्स। अब देखिए ये दोनों चीज अलग अलग हो गई, अब इनका मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। बट अगर यहीं पर मैं इंटीग्रेशन करता तो यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि ये क्या है, मिक्स वाले फॉर्म में था। मिक्स वाले फॉर्म में अपन ने पहले किया सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में क्या किया अपने वाई के साथ में वाई का कॉपीसेंट और एक्स के साथ में एक्स का कॉपीसेंट, उनको अलग अलग करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, e की पावर y प्लस वन, सभी को आवाज क्लियर है, cos x यस dx प्लस e की पावर y साइन x dy इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें देखिए इधर भी आपके पास में वाई का फंक्शन दिख रहा होगा, इधर भी वाई के फंक्शन दिख रहा होगा, और इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है। मींस अब आपको क्या करना होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स के साथ में जो डी एक्स है इसके साथ में अपन को एक्स के कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे, और वाई है उसके साथ में क्या लेना पड़ेगा, वाई का ही आपका फंक्शन लेना पड़ेगा, वाई के साथ में वाई का और एक्स के साथ में किसका लेना पड़ेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से अपन पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जिस तरीके से अपन उसमें करते थे डिफरेंशिएशन में, इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, पहले इसको सेपरेट करेंगे। तो वाई वाले को वाई के साथ में और एक्स वाले को एक्स के साथ में पहले रख देंगे, तो ठीक है। देखिए मैं इसको इसको इधर की साइड लेके जाता हूँ, तो यही हो जाएगा एक्स आपके पास ई की पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा इस तरीके यस से, ठीक यस है। अब देखिए यहां से मैं एक्स वाले को एक्स की तरफ, वाई वाले को वाई की तरफ, तो ये ई की पावर वाई प्लस वन है ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे पहुंचा दूंगा, और यहाँ पर जो साइन एक्स है इसको मैं किधर की साइड ले जाऊंगा, कॉस इसके एक्स नीचे, के ठीक है।
किस तरीके से मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन, और ये हो जाएगा आपके पास में डी वाई। देखिए अब आपको आ गया, अब अपन क्या कर सकते हैं, अलग से आपका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग से अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों साइड में अपन इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बताइए ये क्या है, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, कोई बताएगा? ये कॉट तो कॉटेक्स तो बन रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं मैं, कॉटेक्स लॉग तो साइन आपको एक्स बन रहा। प्लस सी हाँ गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स है, अगर लॉग लॉग अब यहाँ पर साइन एक्स के साथ हम पहुंचिए, क्योंकि लॉग साइन एक्स का करेंगे तो वन अपॉन साइन एक्स, और फिर यस साइन का करते कॉस हो जाता था। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन किसका है आपके पास में, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सी तो फिर बाद में अपन ऐड कर देंगे एक साथ दोनों को, ठीक है? तो यहाँ पर क्या किसका ये इंटीग्रेशन होता है, लॉग साइन लॉग साइन एक्स का। एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अपन किस तरीके से, मान लो इस वाले को टी मान के चलता हूँ, सपोज दैट, तो टी मान के करते तो अपन इसको क्या कर देंगे, इसकी जगह पर डीटी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है? इसको इस तरह, तो इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ, किसको, ई की पावर वाई प्लस वन इक्वल टू अपन टी, टी पुट करके अपन ने ये भी किया है, ये भी टी ही पुट की करके किया है, यस सर ठीक है? तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, e की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और e की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये यहाँ से आप बन जाएगा अपने पास में क्या, वन अपॉन टी डी टी। तो वन अपॉन टी का क्या हो जाता है, लॉग टी, लॉग टी लॉग टी, लॉग टी को लॉग टी की वैल्यू वापस कर दोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, लॉग ई डी की की पावर पावर वाई वाई प्लस, प्लस ठीक है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग माइनस का आपका आगे चल ही रहा है, ई की पावर वाई प्लस वन, ई की पावर वाई प्लस वन लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ कर लो, एक यस साथ सर कर लोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग लॉग ई की डी की पावर पावर वाई 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 प्लस प्लस वन, और प्लस का कर देंगे अपन। इस तरीके से आपको क्या करना होता है इंटीग्रेशन। अब इसमें तो क्या था, अभी तक आपने देखा होगा जितना भी इंटीग्रेशन आपने किया था उसमें क्या था, डीएक्स की फॉर्म में दे रखा होता था। किस तरीके से फॉर्म में दे रखा होता था आपके पास में, कि आपको पास यहाँ से दे दिया मान लो वाई इज इक्वल टू अपने पास में ये इधर एक्स का कोई फंक्शन दे रखा होता था एफ एक्स, और उसका आप क्या कर देते, इंटीग्रेशन कर देते। बट यहाँ पर आपने देखा दोनों की फॉर्म में है, उसमें एक्स भी है और वाई भी है, तो वाई भी है। उसको यस आप पहले यस क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के बाद फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक इंटीग्रेशन है, समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम समझ यस में आ गया तो एक बार ताल लो, फिर अपन एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, बट आपको बस सेपरेट सेपरेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से अपन को सेपरेट करना है। ठीक है, ओनली बस क्वेश्चन को ताल लो, फिर आप घर पे सॉल्व कर लेना इसको। ए की पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ए की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू आपके पास है जीरो। हिमांशु हीरा कुमार, समझ में होगा आया? होगा हो यस गया? सर ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपने इसी तरीके का। थ्री ए की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन प्लस ई की पावर एक्स, सॉरी वन माइनस ई की पावर एक्स
स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके बताओ, देखा क्या आता है आपका। देखिए सॉल्व कीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो अपन को सेपरेट करना है क्या, वाई को वाई की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ, वाई को वाई की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ सेपरेट कीजिए। तो ये देखिए, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस ई की पावर, सॉरी वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाला कहाँ है, डी एक्स ये रहा, तो ई की पावर एक्स तो यहीं रहने, ये वाला मैं टेन को इधर की साइड पर जाऊंगा, और ये क्या है एक्स वाला है, तो एक्स वाले को मैं इधर की साइड लेके आऊंगा। ठीक है, आपको सेपरेट अलग अलग किस तरीके से करना है, मतलब डी एक्स है तो उसकी तरफ एक्स का, एक्स वाला वेरिएबल मतलब एक्स वाला फंक्शन, और डी वाई है उधर कौन सा ले जाना है, वाई वाला फंक्शन। ठीक है, तो इधर ये वाला तो वाई है ही, ये वाला एक्स का है तो ये इधर की साइड लेके जाऊंगा, और ये किसका है वाई का, तो ये इसको मैं इधर की साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, तो लेके जाइए, तो थ्री ई की पावर एक्स अपॉन ये वाला इधर की साइड लेके आया वन माइनस ई की पावर एक्स, और ये क्या आपके पास है डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई। अब अपन कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो इसको आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन आपके पास में ये और ये। अब यहां से कीजिए, देखा इंटीग्रेशन तो आपको आता है, आप कीजिए किस तरीके से आप इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, कौन सर करके पहले बताओ, इसका परमीकरण करेंगे सर। परमेकरण करता है, परमेकरण करके तो अलग अलग किया है, परमेकरण करेगा वैसे तो सर करेगा, वन परमेकरण माइनस ये करेगा एक्स है तो प्लस करेंगे तब ना होगा सर। क्या, पहले इसको प्लस करेंगे तब ना होगा सर। परमेकरण करके करेगा तो ये तो फिर मिक्स हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा, परमेकरण का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, परमेकरण तू ये कर रहा है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ से, इंटीग्रेशन अभी अपन ने किया था, यहाँ से देख मल्टीप्लाई ही होगा, जैसे तो लॉग करके किया लोग ना, वैसे ही होगा। यस सर, देखिए हो जाएगा हो इसको, जाएगा सर। वन माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, टी। ठीक तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर इज दो इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी टी। ठीक एटी है, और अपने पास में क्या ई की पावर सर। एक्स है, तो माइनस को भी उधर की साइड भगा दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर टेन वाई इज इक्वल टू टी, टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा डी टी। इसकी जगह पर डी टी पुट कर देंगे और इसकी जगह पर टी पुट कर देंगे, तो ठीक है, तो अपने पास में आ गया माइनस का थ्री डी टी अपॉन टी, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, माइनस डी टी अपॉन। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग टी। ठीक है, तो माइनस के थ्री लॉग टी, पर ये देख लेना कहीं तुम
यहाँ पर भी टी की वैल्यू कहीं ये पुट का, तो इसके लिए टी की वैल्यू अलग है और इसके लिए टी की वैल्यू अलग है, यस दोनों सर, जगह, दोनों जगह एक ही जगह एक ही बॉट पुट कर देना, ये तो अपन ने अपने इसके लिए मान लिया है, नहीं तो इस जगह टी मान लो, इस जगह पी मान लो, अलग अलग वेरिएबल भी मान सकते हो, ठीक है, कहीं तुम ये टी की वैल्यू यहाँ पर भी वही पुट कर दो, यहाँ पर भी वही पुट कर दो, नहीं इसके लिए टी की वैल्यू अलग है और इसके लिए टी की वैल्यू अलग है, दोनों के लिए अलग अलग है, यहाँ पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा लॉग टी, अब यहाँ पर देखिए माइनस के, यहाँ पर भी माइनस था, -3 लॉग और टी की वैल्यू वन क्या हो माइनस जाएगी ए का यहाँ पर, पावर एक्स, वन वन माइनस माइनस पावर एक्स ए का पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग और यहाँ पर क्या टी की वैल्यू टेन वाई टेन प्लस वाई सी, है ना, और प्लस सी को अभी ऐड कर देंगे अपन, तो चाहे तो आप इसको इधर की साइड, चाहे इसको इधर की साइड, कोई सा भी लेके जा सकते हो, तो ये हो जाएगा अपने पास है -3 लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस लॉग 10 वाई टेन वाई प्लस सी, प्लस का आ जाएगा अपने पास में सी, और ये इक्वल टू अपने पास में मान लो, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या हो जाता है इंटीग्रल, बताइए किसी कोई सर हमको प्रॉब्लम हो रही, -3 ला रहे हैं वो समझ में नहीं आया सर। -3 ला रहे हैं, यस यहां सर, से देख, यहां से देख ई की पावर ये इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या होगा, 1 का तो एक्स -, अच्छा सर वन का ठीक है तो सर, जीरो, वन का तो जीरो, और जीरो ई की अच्छा। पावर माइनस, यस सर, ई ए की की पावर पावर तो माइनस का माइनस थ्री आ माइनस जाएगा, है, यस है ना, सर, माइनस आ जाएगा, अब बट यहाँ पर क्या है आपके पास है ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस का है, तो एक्स इसलिए सर, मैंने ये वाला माइनस काम पहुंचा दिया इसके साथ, मतलब ओके दोनों यस साइड -1 का मल्टीप्लाई करते हैं ये मान सकते हो, तो इधर तो क्या कर दिया प्लस सर कर दिया, इधर क्या कर दिया इसने माइनस कर दिया, माइनस, ई पावर डी ई एक्स डी एक्स इसकी जगह पर क्या हो जाएगा -dt हो जाएगा, तो -dt इसके साथ में क्या कर देगा -3 कर देगा, यस ई की पावर जो -dt है वो सॉरी dt है, और ये केस क्या कर देगा माइनस का मल्टीप्लाई से करोगे तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि ई एक्स डी एक्स की जगह पर तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, बट ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है समझ में यस आया, सर, यस सर, यस सर, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना और इसको घर घर से सॉल्व करना, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये आप लोग करके बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस के वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, कुछ लोग तो बोलेंगे सर आपने तो ऐसा अपने लिए तो ऐसा किया था सिंपल सा और हमारे लिए दे दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक बार करके देखो इसको, बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस वाई प्लस कीजिए सॉल्व, जिसका सॉल्व हो जाए वो बता देना, सबसे पहले बिक्की कुमार कर लेगा और एम डी सोहेल हो खान गया हो सर, गया, क्या यस सर, आया आंसर आया है, ई के पावर वाई माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर 3/3 प्लस सी, और किसी का गॉड,
बहुत अच्छे, और किसी का आ यस गया, यही आया है, विशाल सेम है यस सागर कुमार, निशा पम्मी, जूही, शंभू। सॉल्व करो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बस सेपरेट करना आना चाहिए। सेपरेट करना आ गया तो फिर इंटीग्रेशन करना आ गया, और इंटीग्रेशन ना करना आ गया तो बस ये। तो जिस तरीके से अपने पास डिफरेंशिएशन होता था, जिसको अपन बोला जाता था इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता था, जिसमें मिक्स रहता था, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन बोला था, इम्प्लिसिट फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या दे दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन ही दे दिया, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको। मतलब आपके पास में क्या दे दिया, मिक्स दे दिया। अब मिक्स दे दिया तो उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना है अब कीजिए आप। सर देखिए इतना ही है, थ्री की पावर इतना वाई याद है। माइनस सर यही है। यस ओके देखिए, एक बार मैं बाकी के लोगों को बता भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए, अपन को ई की पावर वाई और ई की पावर एक्स, इनको सबको अलग अलग करना है। तो देखिए किस तरीके से अलग करना है, इसको मैं डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस वाई अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस वाई, ये हो गया। इन दोनों में से देखिए पहले कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, ई की पावर माइनस वाई इसमें भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, इसमें से कॉमन ले लिया, और ये बच गया अपने पास ई की पावर एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है। अब देखिए यहाँ से डी एक्स को तो मैं इसके तरफ पहुंचाऊंगा और ई की पावर वाई को इसके नीचे लेके आऊंगा, क्योंकि ये वाई वाला फंक्शन है, वाई वाले फंक्शन को मैं वाई के साथ में लेके आ जाऊंगा, और डी एक्स है तो डी एक्स को मैं एक्स के साथ में पहुंचा दूंगा, ये हो जाएगा आपके पास में क्या, कि डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब नीचे से अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली ए की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो सॉरी एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में क्या डी एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन कर दो तो ए की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर वाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री यस एक्स हो जाएगा, और अगर लगा तो यहीं पर प्लस का सी लगा सकते, नहीं तो बाद में, तो ये हो जाएगा अपने पास ई की पावर वाई माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस के ई की पावर एक्स, और प्लस हो जाएगा आपके पास सी, तो ये आ जाएगा आपके पास एंट्री, ठीक है। जोड़ने को तो इन दोनों को जो वो इसको आप ये मत सोचना क्या, इसको इधर की साइड, इसको भी इधर की साइड लेके जा सकते थे आप, तो ये हो जाता है एक्स क्यू अपॉन ओके थ्री प्लस ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। आप किसी को किसी की तरफ लेके जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको इधर की साइड लेके जा रहे हो, पर दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मीन्स एक ही होता है, ठीक है, हो गया। किसी यस कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो ओके सर चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। कीजिए एक क्वेश्चन और है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट का है।
और ऐसे क्वेश्चन सर आएंगे लॉग वाला जरूर से बनेगा एग्जाम। हाँ सर, एक्स एक्स वाले के एक्स के साइड करके बना सकते हैं ना, वाई वाले को वाई के साइड, वही तो करना है, वही करना है। हो तो हो तो गया सर। तो गया सर, करो क्या हो गया आंसर बताओ ना। हो गया तो आंसर बता दो मेरे को। एक मिनट, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यस यस सर, या गुड, सही है। यस सर, वही आ गया। ठीक है, तो पहले तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर की तरफ, क्योंकि वाई वाले को वाई की तरफ, एक्स वाले को एक्स की तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन, इसको इधर की तरफ लेके आए तो वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन वन प्लस वन एक्स प्लस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इस देखिए देखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, बट 1 मिनट का क्वेश्चन सर। होता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन वन प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि टेन इनवर्स क्या होता है, टेन वन इनवर्स बाय का वन होता प्लस है वन एक्स स्क्वायर, अपॉन वन प्लस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर होता है सर। ठीक है, यस आप सर, यहीं के इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई का फॉर्म है, बाई का वेरिएबल है, बाई का टेन फंक्शन वाई है, तो ये हो प्लस जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई वाई, और ये क्या यस हो सर, जाएगा अपने पास में टेन इक्वल टू इनवर्स। टेन इनवर्स एक्स। ठीक टेन इनवर्स एक्स है, आप दोनों को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स एक्स, और प्लस का आ प्लस जाएगा आपके पास, ये लो। देखने में तो आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और 1 मिनट का क्वेश्चन होता है। यस सर, यस ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और यस सर। कीजिएगा। ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। सर दोनों तरफ एक है, दोनों तो एक्स है, तो क्या हो गया, आप तो कीजिए। सर वही सेम ना हो जाएगा सर, चेंज नहीं होगा इसका। कैसे सेम सेम हो जाएगा, इसका आएगा लॉग ई एक्स प्लस ई इनवर्स एक्स प्लस सी। लॉग लॉग ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस यस सर, यही होगा। बेटा, इसमें बाई बाई भी कुछ आएगा ना, डी वाई अपॉन सर डी वाई एक्स। माइनस होगा, सर तो वाई दिया कहाँ है सर, डी आई डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है, तो डी इधर का तो डिवाइड में कर देंगे ना सर, इधर तो लॉगे वाला फॉर्म से करेंगे। देखिए, आप देखिए, आप मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले तो बस डी देखिए वाई एक्स का डी वाले, वाई हो जाएगा हाँ डी वाई का क्या हो जाएगा भाई, अगर मान लो डी वाई के साथ वाई नहीं है तो वन माना जाएगा ना, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई 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 हो वाई। जाएगा। देखिए एक बार मैं बता ही देता हूँ, तो ये इसको इधर की तरफ लेके गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डी एक्स को मैं इधर की साइड पहुंचाऊंगा, तो यहाँ इधर क्या रह जाएगा, ओनली डी वाई रह जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपके पास में क्या, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक माइनस एक्स है, यस सर, और ये हो जाएगा अपने पास में डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दोगे सिंगल का इंटीग्रेशन कर दिया था सर इसलिए। वन का यस सर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, वाई वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वही लॉग लॉग है मान, ठीक है, तो लॉग नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा अपने पास लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसको इधर की तरफ लेके जाओ, चाहे इसको इधर की तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, वाई माइनस लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से आएगा। वाई को आपने बीच में छोड़ दिया, मतलब फंक्शन है तो वाई आएगा कि नहीं आएगा। हाँ मान लो, यस सर, वाई को छोड़ दिए थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। सर सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x + y + xy। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x + y + xy। कीजिए सेपरेट, कीजिए पहले तो, और सेपरेट कर दोगे तो आराम से हो जाएगा आपके पास में। y2/2 - x + c, कितना हो जाएगा, y² / 2 - माइनस माइनस एक्स का एक्स एक्स प्लस सी प्लस सी। जी, बाकी के लोग इसमें बस एक्स का एक ही इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन में जो मान लो खाली भी एक्स तो बढ़ती है, फिर भी देखते हैं अपन सॉल्व करेंगे। हाँ सर मेरा है सर लॉग 1 + y - x और -x² / 2। लॉग 1 + y - x - y² यस सर, यस सर, हाँ ये सही होगा, मेरा क्योंकि गलत हो गया हमेशा सर। हमेशा जब भी आप करोगे ना तो हमेशा देखिए, जैसे बाई का तुमने 2 किया था तो बाई की एक पावर ऐड हुई, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स की पावर 1 तो हमेशा ऐड होगी होगी। यस सर, x² / 2। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले इसमें सेपरेट करो, तो सेपरेट करोगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1 + x, तो आसानी से रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस का वाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 + x, ठीक है, 1 + x हो जाएगा। और इन दोनों में से भी आपके पास में एक फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास में, 1 + x। यहाँ से यस देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x, इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा y, पर 1 + y अलग बच गया, ठीक है। 1 पर y को इधर की साइड पहुंचा दो और इसको dx को इधर की तरफ पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, क्या dy अपॉन 1 + y, और इधर हो जाएगा अपने पास में 1 + x dx। अब हो गया अलग अलग हो गया, इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो यस जाएगा लॉग वाई से, log 1 + y ये हो जाएगा अपने पास लॉग 1 + y, ठीक ये है। लॉग टी से अपन ने इसकी जगह पर टी पुट कर दोगे, टी सब्सटीट्यूट कर दोगे, टी से पुट कर दोगे तो डी एक्स की जगह डी वाई की जगह पर डी टी आ जाएगा, तो उसी से किया है। और ये हो जाएगा अपने पास 1 का तो क्या हो जाता है एक्स, और एक्स का x² / 2 लेके आओगे तो ये हो जाएगा अपने पास लॉग 1 + y - x - x² y x² / 2 प्लस।
इस तरीके से अपनों क्या करना होता है। ठीक है, और बताइए किसी को कोई सर प्रॉब्लम हो। हाँ सर बराबर बोलिए। के एक साइड हम ले जा रहे हैं दोनों को, तो बराबर के उधर तरफ कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ तो बराबर 0 कर दो ना, इक्वल टू 0, 0 ही तो रह जाएगा, इक्वल टू 0। हर एक इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि आप इधर की साइड लेके आए तो इधर क्या रह गया आपके पास में, 0। चाहे आप इसको इक्वल टू सी में रख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू सी रख सकते हो, या फिर इसको इक्वल में भी, या और इसको इक्वल में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक माइनस सी हो है। जाएगा हाँ सर। माइनस सी हो जाएगा, कैसे यस भी करके छोड़ सकते हो। हाँ ये सही बोला है, क्या बोलने को, तो क्या इक्वल में कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो कुछ ना कुछ बचेगा तो या तो इक्वल टू 0 लिख दो, या इक्वल टू में इसको छोड़ दो, या माइनस इक्वल टू में माइनस का सी कर सकते हो, माइनस ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। हाँ एक क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। चलिए इसको आप घर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और इसी तरीके क्वेश्चन है आपके पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेम यही है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई टू लॉग वाई प्लस वन। इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है अपने पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड में वाई क्यूब। एक और क्वेश्चन है अपने पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई, ठीक। और एक और क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस के वाई। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, इनको आपको घर से सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। मेरे को लगता है अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वाले टॉपिक में। फिर भी अगर टॉपिक कोई भी दिक्कत आती है तो कल अपन इनको नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पावर एक्स माइनस वाई, हाँ हाँ पावर पावर में ही है, वो पावर में ही है भाई, में ही जो आप, ना। हाँ पावर में ही है, ये मत सोचना कि उसका वो वाई अलग यस है। सर वो तो मल्टीप्लाई होगा हाँ क्योंकि वो पावर में पावर ही है। माइनस वाई।